अखिल भारत हिंदू महासभा में एडीए के खिलाफ रोष दिखा। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। शासन का आदेश बताकर मंदिर तोड़े जाने से है नाराज। अतिक्रमण के नाम पर धेतौरा और सुल्तानगंज की पुलिया से हटाए गए मंदिर, मगर अवैध कॉलोनियों पर क्यों नहीं चलता एडीए का बुलडोजर। शमशाबाद रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी का भी उठाया मुद्दा। बिना नक्शा, बिना परमिशन और बिना कागज के बनी अन्य कई कॉलोनियों का दिया उदाहरण। संजय जाट ने कहा, एडीए की कार्यशैली में दिख रहा दोहरा आचरण। संजय जाट ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाए मिली भगत के आरोप। देखिए, जिस प्रकार से आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रम और सौंदर्यीकरण के नाम पर मंदिरों को तोड़ दिया गया, धेतौरा में तोड़ दिया गया, सुल्तानगंज की पुलिया में तोड़ दिया गया, मात्र ये कहकर के यह अतिक्रमण के नाम पर अतिक्रमण कर रहे हैं, मंदिर धार्मिक स्थल अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन एक और जहाँ पर शमशाबाद रोड पर कृष्णा स्टेट कॉलोनी और इसके साथ साथ कई ऐसी कॉलोनी हैं जिन पर कोई मानचित्र नहीं है, जिन पर कोई एडीए से परमिशन नहीं है, इन पर कोई कागज नहीं है, लेकिन लगातार एडीए कर्मचारियों की मिली भगत से जिस तरीके से बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया, और आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि दो बार एडीए ने आकर उसको ध्वस्त कर दिया गया उनकी बिल्डिंगों को। लेकिन इतनी दबंगई है इन कॉलोनाइजर्स की, इन बिल्डर्स की, कि ये एडीए कर्मचारियों से सेटलमेंट करने के बाद दोबारा पुनः इन्होंने काम चालू कर दिया है। तो हिंदू महासभा ने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करता है कि इनकी जो बिल्डिंग है इनको सील किया जाए और ऐसे बिल्डर और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मुकदमे लिखे जाएं। अगर इनके खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि ये लोग योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए उसके आदेशों पर एडीए कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। हिंदू महासभा किसी भी कीमत पर अतिक्रमण नहीं होने देगा, और अगर इन लोगों ने इस स्टेट कंपनी को सील नहीं किया, इनके गिरफ्तारी नहीं करके मुकदमा नहीं लिखाया, तो हिंदू महासभा उग्र आंदोलन करेगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मुकदमा भी लिखाने का काम हिंदू महासभा करेगा। कितनी कॉलोनियों की शिकायत आपने आज की है? आज हमने दो कॉलोनियों की शिकायत की और लगातार हम लोगों पर कई शिकायतें, कई कॉलोनाइजर्स जो पैसे देकर या किसी भी तरीके से सेटलमेंट कर जिस तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको निश्चित तौर पर हिंदू महासभा अब मौके पर आकर इनका भंडाफोड़ करेगा।